घट घट वासी भगवान। ऐसे भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति को दयापूर्वक ले लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्याहम् अनुग्रह नामी हरिष्यते तद्धनम् शनै। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है और वे देखते हैं कि वह सांसारिक विषयों में अत्यधिक लिप्त है, तो वे उसका सर्वस्व ले लेते हैं। सब कुछ ले लिए जाने पर भक्त अपने को पराश्रित और समाज में मृतता एवं प्यार से वंचित अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि उसके परिवार के सदस्य अब उसका तनिक भी परवाह नहीं उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते। अतः वह श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाता है। भगवान द्वारा ऐसे भक्त पर जो उलट अच्छा उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाता, यह विशेष कृपा है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, आमी विज्ञेय मूर्खे विषय के न दिबा। भगवान अपने ऐसे भक्त को जान लेते हैं जो श्री भगवान की सेवा में तत्पर होने में संकोच करता है और जिसे इसका ज्ञान नहीं रह पाता कि वह अपना सांसारिक जीवन फिर से प्रारंभ करे या नहीं। बारंबार प्रयास करने और विफल होने पर अंत में वह भगवान के चरण चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। तब भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं और वह सुख प्राप्त करते हुए अपनी समस्त भौतिक व्यवस्थाओं को भूल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्य। हरे कृष्ण, जानते हुए कि ये मार्ग हमारे लिए बहुत खतरनाक है, भौतिकतावादी, वो उसको समझ आने लगता है, फिर माया इधर ही खींच लेती है, फिर यहीं छोड़ता है। और हाँ, कुछ भाग्यशाली हैं जिनको भक्तों का संग मिल जाता है। एक बात, कुछ ऐसे भी हैं जो अंदर से काफी डिटरमिंड लगते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको करने नहीं देती। तो भगवान ये है ना, आपको बहुत चीज में, एक बार काफी मेरी बहस भी हुई थी किसी के साथ, कि एक ही लड़का है माँ बाप का, माँ बाप वृद्ध हैं, असहाय हैं, और लड़का जो है भगवान के भक्तों के संग चला जाता है। हर कोई क्रिटिसाइज करता लड़के को, नहीं, अब दोनों में आवे देखते हैं, उनको भी जरूरत है, उन्होंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है और वो भगवान की सेवा करना चाहता है। कहाँ गलत है बच्चा? कहीं भी नहीं। भगवान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उसके लिए अपने माँ बाप की सेवा छोड़नी भी पड़े तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक संस्कारी बच्चा उनको भी नहीं छोड़ता। तो उसने क्या किया, हफ्ते में एक बार घर जा करके उनको देखभाल करके आता, उनका अरेंजमेंट कर दिया। भाई आप ये देखिए, माँ बाप के पास जो भी संपत्ति है उसका यूज उनके लिए करने में क्या बुराई है? आप अगर उनका कुछ कोई संपत्ति है उसको आप बेच करके, पैसा उनके पास रख करके ऐसा करते हैं, कोई काम करने वाला जो उनको मदद कर दे, और हफ्ते में बेटा बेटा एक बार माँ बाप को विजिट करे और 6 दिन वो भगवान की सेवा लगातार, क्या बुरा है इसमें? कोई बुराई नहीं है। और ये बच्चा उस बच्चे से ज्यादा सेवा करता है जो अगर होता उनके साथ रहता तो। ये तो इसने ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि, तो ऐसे बच्चे को ऐसे आदमी के साथ भगवान क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि ये मेरे पास आने के लिए व्याकुल है, तो भगवान उसके सब कुछ छीन लेते हैं, उसे सब कुछ छीनने के बाद वो उसको अब कोई ऑल्टरनेटिव दिखता ही नहीं, वो कहता है मैं भगवान की सेवा में चला जाता हूँ। ये ऐसा होता है, तो ये भगवान की कृपा होती है। प्रभुपाद के साथ हुआ ऐसा, प्रभुपाद ने यही सोचा कि शायद ये उनकी का मुझे ये इंडिकेशन है कि वो कह रहे हैं, तो क्या भटक रहा है, आ जा चल दे, इतना बड़ा काम किया। प्रभु जी,
आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो शब्द अर्थ भी पढ़वाए क्या किसी से? माता जी आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी आप श्लोक पढ़िए प्रभु जी, शब्द हाँ अर्थ की। ठीक है माता जी। क्वचिद उलोक झिल्ली क्वचिद उलोक कछिलो झिल्ली स्वनुवद स्वनुवद कछिलो अति परुष अति परुष रवसा 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 टोपम ये रवसान सॉरी रवसा रवसा आटोपम आटोपम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम परोक्षम वा परोक्षम रिपुराज कुल रिपुराज निर्वर्तितेन कुल निर्वसितेन अतिव्यथित अतिव्यथित कर्णमूल कर्णमूल हृदय हृदय कर्णमूल हरे हरे कृष्ण कृष्ण। अत्रे माता जी आप पढ़िए माता जी शब्द अर्थ। हरे कृष्ण। कचित कभी कभी उल्लुक उल्लू का झिल्ली झिंगुर श्वनबद्ध अप्रिय ध्वनियों की तरह अति पुरुष अत्यंत कर्णपटु रभस धैर्य से अटपम घर्षण प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रकटत परक्षम अप्रत्यक्ष वा या रिपु शत्रुओं का राजकुल शासक समुदाय का निर्भस निर्भत्सितेन तरना या दंडदान से अति व्यथित अत्यंत दुखी कर्णमूल हृदय जिसके कान तथा हृदय। ये भी पढ़वाइए माता जी। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं शासन कर्मियों की तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है। प्रताड़ना से अत्यंत अत्यंत व्यथित रहता है जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं कटु वचन कहते रहते हैं, उस समय उसके हृदय उस यानी मन तथा यानी मन कान अतीब कान व्यथित एवं एवं विषादपूर्ण विषादपूर्ण हो जाते हैं हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लूकों तथा झिंगुरों की उल्लू अप्रिय झंकार से की जा सकती है। अप्रिय झंकार से की जा जाती सकती है। ऐसा होता है कई बार आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन होता है आपके साथ। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा सभी को तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। शासन एवं व्यक्तियों को जो आयकर नहीं देते प्रताड़ित करता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोचना उसे दुखी बना देती है और कभी कभी बद जीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ भी नहीं पाने की स्थिति में नहीं होता। बहुत सारी चीजें ये आपके ये जैसे इनकम टैक्स का बताया आप दे रहे हैं नोटिस आ गया आपको। उस नोटिस के पीछे आपको अब तो शायद ऑनलाइन भी संभव है नहीं तो अपने सारे पुराने रसीद लेकर के एक ये लेकर के आप उनके पास जाइए जा करके वो सेटल हो गया। उसके बाद फिर नोटिस आता है कि आपने 2003 2004 में इतना टैक्स कम दिया फिर उसको ठीक करो। फिर उसके बाद आता है अरे एक ही बाद में दे सकते हो इतने चक्कर लगवा देते हैं आपके आप परेशान हो जाते हैं। यही चीज
कई बार होता है ये इनकम टैक्स का, ये जो है एक नोटिस आपकी नींद खराब कर देता है। आप टैक्स अच्छी तरह भर रहे हैं पूरी तरह सब, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कभी कभी। वो कभी कभी ये होता है, वो कहते हैं कि अरे नहीं गलती से आ गया आपके पास ये। और आपको मैं बताऊं, इनकम टैक्स के एप्रिसिएशन लेटर भी आते हैं। 2 साल लगातार आए मेरे को कि आपके ऑनेस्टी से इनकम टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका वो धन्यवाद देता है, सर्टिफिकेट आ गए 2 बार। तीसरी बार आपको कहेंगे कि ये मैच नहीं कर रहा है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां हैं। ऐसे बिजली का डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, हाउस टैक्स का डिपार्टमेंट है, कहीं से भी एक नोटिस आ गया आपकी के लिए काम बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज सब कुछ ठीक करते हुए ऐसा होता है, तब आपको लगता है कि भौतिकता भौतिक जीवन है ही बहुत दुखमय ऐसा लगता है। और आपको साधु लोग बताते भी हैं कि आप निकलो इससे, जाते हैं समझ आता है, फिर माया खींच लेती है ये बात। सयदा दुग्ध पूर्व, सयदा सयदा दुग्ध दुग्ध पूर्व पूर्व सुकृतः सुकृतः तदा तदा कास कारस्कर कास कर कास कर काक कारस्कर तुंड आद्य आगतंडम आद्य 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 को अगर आदि पढ़ो मैं, क्योंकि यो लगा हुआ है अपुण्य हो जाएगा। हाँ अपुण्य द्रुमलता अपुण्य अपुण्य द्रुमलता द्रुमलता विशोदपान 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 वद उभयार्थ वदुभयार्थ शून्य शून्य द्रविणान शून्य द्रविणान द्रविणान जीवन मृतान जीवन जीवन मृतान मृतान स्वयं जीवन स्वयं स्वयं जीवन जीवन म्रियमाण म्रियमाण उपधावति उपधावति उपधावती। जी शब्दार्थ प्रभु पढ़ेंगे कोई। जी, अशोक प्रभु जी आप शब्दार्थ पढ़िए और भावार्थ भी उसका पढ़वाइए प्रभु जी। सहा वो बद्ध आत्मा यदा जब दुग्ध तथित रिक्त पूर्व पहले का सुकृतः अच्छे कर्म तदा उस समय कारस्कर काकतुंड आदि कारस्कर काकतुंड आदि नामधारी अपूर्ण द्रुमलता अपवित्र वृक्ष तथा लताएं विष उदपान बत विषैले जल से युक्त कुएं के समान उभय अर्थ शून्य जो न तो इस जन्म में न अगले जन्म में सुख दे सकता है द्रविणान संपत्तिवान जीवत मितान जीवित होकर भी जो मृतक के तुल्य है स्वयं वो स्वतः जीवत सजीव प्रियमाणः मरा हुआ मृत उपधावती सांसारिक लाभ के लिए निकट आता है। पूर्व जन्म अनुवाद भावार्थ पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण पूर्व जन्म में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध बद्ध आत्मा को इस जीवन में आत्मा को इस आत्मा को इस जीवन जीवन में में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती किंतु हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर किंतु इनके इनके समाप्त समाप्त हो हो जाने जाने पर पर वो ऐसी संपदा तथा धन का वो ऐसी ऐसी संपदा संपदा तथा तथा धन धन का का सहारा लेता है सहारा लेता है जो जो न तो इस जीवन में ना इस ना जीवन में तो जीवन जीवन में नहीं अगले जीवन में उसके सहायक में होते हैं। ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं, इसलिए वो जीवित मृत तुल्य इसलिए और वो इसीलिए वो जीवित मृत तुल्य जीवित मनुष्यों का जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं मनुष्यों का मनुष्यों का जिनके जिनके पास पास ये ये वस्तुएं वस्तुएं होती हैं होती है सहारा देना चाहता है।
सहारा सहारा लेना लेना चाहता चाहता है। है, ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, ऐसे 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 लोग अपवित्र अपवित्र वृक्षों, वृक्षों लताओं और विषैले फलों लताओं के सदृश हैं। लताओं लताओं और और विषैले विषैले फलों के फलों सदृश के सदृश हैं। हरे कृष्ण, ये सातवां पढ़ना कितना, बताइए। ये 1 मिनट, ये कितना, इसके समाप्त होने पर जो सुविधाएं थी वो ऐसी संपदा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में न अगले जीवन में सहायक होते हैं। क्योंकि आप किसी की संपत्ति का सहारा लेते हैं तो आपके लिए तो मरने से भी खराब है अगर आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। सबसे खराब दशा वो होती है जब आप किसी के टुकड़ों पर पलते हैं, वो सबसे खराब है। अपने को उस परिस्थिति में डालना ही नहीं चाहिए। अगर परिस्थिति इतनी खराब हो गई आप अकेले हैं तो भगवान के भक्त बन जाइए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपको खाना मिल जाता है और क्या चाहिए आपको, कपड़े, मेरे ख्याल से 2 जोड़े साल में, वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी दे देती है। और आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको मिलेगा ये, बाकी आपकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। यही करना है कि आवश्यकता ऐसी हो कि हम महान धनी हो जाएं। सबसे बड़ा धनी कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए? सबसे गरीब कौन है जिसको सब कुछ चाहिए? जिसको सब कुछ चाहिए वो सबसे गरीब, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर। तो ये साधु लोग जो होते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको हाँ 2 बार खाना और 2 जोड़ी कपड़े, यही होता है उनके पास। उसके अलावा उनके पास कुछ होता भी नहीं। तो ये चीज अपने को ऐसे परिस्थिति में जब है तो ये करना चाहिए। रास्ता खुला है लेकिन फिर भी हम वो वाला अपनाते हैं कि किसी के टुकड़ों पर पले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शुद्धा धीर माता जी, प्रभु जी हरे माता जी आए ज्वाइन किए प्रभु जी, हर्ष माता जी को होस्ट बना दीजिए। सुधा धीर माता जी हमने की, ओके माता, सुधा धीर हर्षा माता हर्षा जी, माता जी कभी हरे लेट कभी नहीं होती हैं। आज कोई परेशानी हो गई होगी। हरे अरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपभोग विष वृक्षों के फलों का आस्वाद जैसा होता है। ऐसे कर्मों से बद्ध जीव न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह वर्जित सेब का आस्वादन करता है जिससे वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दें। यत् करोषि यद् शनासि यज्ञ होषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, तू जो कुछ भी स्वाहा करता है, जो कुछ हवन या दान करता है और जो तपस्या करता है वह सब मेरे अर्पण कर। यदि व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो पूर्व पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे चाहिए कि वह इस अतिरिक्त धन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बद्ध जीवात्मा या संसार तथा श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और यही इस जीवन का उद्देश्य है। हरे हाँ, कृष्ण।
सही जीवन बात का बताई। उद्देश्य है भगवान, जीवन का उद्देश्य है भगवान को खुश रखना। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली में जहाँ हमारा घर है उसके नजदीक में एक स्कूल है। वो स्कूल किसी व्यक्ति ने बनाया और वो बाद में वृंदावन में एक संत थे, अब नहीं रहे वो, उनके प्रवचन मैंने सुने हैं। वो वहाँ उनके वहाँ पूरी व्यवस्था है वृंदावन में उनकी शायद, तो वहाँ गया, वहाँ वो रम गया, वो स्कूल को भी भूल गया, इतना भक्ति में इतना रम गया। फिर उसने गुरु महाराज को बोला कि मेरे पास जो कुछ संपत्ति थी वो अर्पित कर दिया। उसने कहा मेरा एक स्कूल है जिससे आमदनी आती है हर हर महीने, वो अब मैं यहाँ रह के नहीं संभाल सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल, उन्होंने स्कूल भी दे दिया। ये जिसे आत्मनिवेदनम कहते हैं, आदमी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है तो भगवान की भक्ति के लिए, और वो पैसा जो स्कूल से आएगा वो भगवान की सेवा के लिए यूज होता है। ये इस्कॉन की बात नहीं, किसी और संस्था की बात है। तो ऐसा वहां रह के इतना आनंद, इतना खुश, सब कुछ दे दिया। तो इसलिए ये ऐसा, ये सबसे अच्छा चीज, सबसे अच्छा है। आपको ये तकलीफ ही ना दे कि आपके पास कुछ है ही नहीं, सब भगवान को दे दिया, फिर आपको ये देहात्म बुद्धि तंग नहीं करती। एकदा असत प्रसंगात, एकदा असत एकदा असत प्रसंगात प्रसंगात निकटमति युधक निकटमति श्रोतः युधक कलन्वत श्रोतः उभय उभयतो अपि उभयतोपि दुःखदं दुःखदं पाखण्डं अखंडम अभियाति। अभियाति। एक शब्दार्थ, एकदा कभी कभी असत प्रसंगात अभक्तों के संसर्ग से जो वैदिक नियमों के विरुद्ध है और अनेक धार्मिक संप्रदायों को जन्म देते हैं, निकृतमति ही जिनकी बुद्धि इस निम्न स्तर तक पहुंच चुकी होती है कि भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। युदक स्त्रोतः प्रचुर जल से रहित नदियों में स्खलत व्रत कूदने के समान उभयतः दोनों ओर से अपि यद्यपि दुखदम दुखदाई पाखंडम निरीश्वरवादी मार्ग पाखंड अभियाति अनुसरण करता है। कभी कभी इस संसार अटवी में कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से अपने कष्टों से दुख मुक्ति मुक्ति पाने पाने के के लिए लिए बद्ध बद्ध जीव पाखंडियों के सस्ते पाखंडियों के आशीर्वाद प्राप्त करता है। सस्ते सस्ते आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त प्राप्त करता है, करता है तब उनके संपर्क से तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसकी मति उसकी भ्रष्ट मति हो भ्रष्ट जाती है। हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। ये यह उतनी नदी में उथली नदी कूदने में के समान कूदने के ही समान ही है। है, इसका परिणाम यही होता है कि इसका इसका परिणाम परिणाम यही यही होता है होता है कि कि उसका सिर फूटता है, उसका सिर उसका सिर फूटता है। फूटता है। इस इस प्रकार प्रकार वह वह गर्मी गर्मी से से प्राप्त प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता, दुखों को दुखों को शांत शांत करने में करने समर्थ में नहीं समर्थ होता, नहीं होता तथा दोनों ओर से उसी की हानि होती है। तथा तथा दोनों ओर से दोनों ओर उसकी से हानि उसकी हानि होती है। होती यह दिग्भ्रमित बद्ध जीव, है। यह दिग्भ्रमित दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथाकथित साधुओं, तथाकथित साधु एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, एवं एवं साधुओं की भी स्वामियों शरण के में भी जाता शरण में है। जाता है।
जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, जो जो वेद वेद विरुद्ध विरुद्ध उपदेश उपदेश देते हैं, किंतु किंतु इनसे उसे ना तो इनसे ना वर्तमान तो में वर्तमान में और न भविष्य में ही और उन्हें ना भविष्य में भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है, लाभ 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 होता है। प्राप्त होता है। बहुत अच्छा समझाया है, बताया है। उथला नदी जब है, उथला कोई सरोवर ही ले लीजिए, इसमें अगर आदमी कूदता है और हालांकि पानी साफ है तो आपको दिख जाता है अंदर पत्थर है, अगर अगर नहीं दिखता है आप कूद गए तो इतनी जबरदस्त चोट लगती है आपको, क्योंकि आप ये भरोसा करके कि पानी के ऊपर आप कूदते हैं तो पानी तो आपको चोट नहीं पहुंचाती। पानी आपको तभी चोट पहुंचाती है जब आप बहुत ऊंचे से उस पर सपाट गिरे, पेट के बल या पीठ के बल अगर पानी में गिरते हैं तो आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा चोट आती है। ये जब आप पानी इसमें कभी किसी सरोवर में नदी में कूदते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, हम करते थे ऐसा। और कई बार ऐसा होता था कि उसमें जो एक जगह सरोवर जैसा है छोटा सा, उसमें कूदते हैं बहुत ऊपर से, तो ऊपर से कूदेंगे तो हमेशा आपको पैर पैर सीधे करके कूदना चाहिए, तिरछा करके नहीं कूदना चाहिए। तो उसमें नहीं तो पानी उथला है, अगर ज्यादा नहीं है तो आप अपना हाथ पैर सिर कोई भी तोड़ सकते हैं। तो यही उथला पानी का वह दिया है। ऐसे आजकल इतनी संस्थाएं बन गई हैं जहां पर वो गारंटी कर देते हैं आपके, हम आपको ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बल्कि आप धनधान्य हो जाएंगे। ये हमको बड़ा अट्रैक्ट करता है कि आपके सारे कष्ट दूर और आप माला माल हो जाएंगे। ये हमको अभी भी, ये खतरनाक है, ये है सस्ता सस्ता, ये जो प्रवचन है बहुत सस्ता वाला, कि आपको धनधान्य बना देंगे, आपके सब दुखों का निवारण हो जाएगा, बस प्रभु की शरण ले लो, जो उनके ये होते हैं। ऐसे पाखंडी बहुत हैं आजकल, बहुत ज्यादा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो भी संस्था आप ज्वाइन करें, जो भी संस्था से जुड़ना चाहें, ये ध्यान रखें कि वो गुरु शिष्य परंपरा की हो, तो उसमें कोई आपको ठगेगा नहीं, क्योंकि वो, और ऐसी हमारे देश में चार ही परंपरा है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं कुछ भौतिक लाभ के लिए। इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बद्ध जीव उनकी शरण में जाता है, किंतु उसे तो आध्यात्मिक ना ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो जादू तिलिस्मी दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करके करने के लिए एक सोना तक बनाते हैं और उनकी अनुयायी उन्हें देवता मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार की ठगी का बोलबाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है, संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याणम गुणा गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि को शमित कर सके, किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वे ठगे जाएं। अतः वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जहाँ अनंत स्वर्ण राशि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सोने का रंग स्फुर दीप्ति या पीत मल के तुल्य है। अतः सोना बनाने वाले गुरुओं के चंगुल में ना आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए।
जड़ भरत ने रघुगुण महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्री मद्भागवत गीता में भी जिस प्रकार के गुरु का वर्णन है उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जीवन में सर्वोच्च लोक की जिज्ञासा के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है, शाब्दे परे च निष्ठामम। ऐसा गुरु ना तो सोना बनाता है ना ही बातें बनाता है, वह वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वैदेश्च सर्वैर हमेव वैद्यः, यह वह सांसारिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि ऐसे गुरु के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत ही अच्छा तात्पर्य मिला आपको पढ़ने के लिए, मैं बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा लिखा है, गुरु ऐसा जो आपको ठगे कि मैं ये कर दूंगा ये को, वो पसंद आता है और वो उदाहरण भी दे देंगे, ये इनका गुरु शिष्य है, वो इनका शिष्य है, वो इनका शिष्य है, तो ऐसे ठगे जाते हैं ये लोग। तो असली गुरु आपको मिलेगा, वो आपको भगवत धाम ले जाने का मार्ग बताता है। ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे सिर पर हाथ रख दे हम भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं, वो रास्ता बताता है। कठिन तपस्या कर, भौतिक चीजों से लगाव अलग कर। कि आपने देखा नारद मुनि इतने महान भक्त थे, नारद ये बात है जिसको चाहें नारद उसको रास्ता, उनके शिष्य कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवत धाम नहीं गया, क्योंकि नारद में इतनी शक्ति थी, क्योंकि वो भगवान के ऐसे भक्त हैं वो जो चाहें वो सब कर सकते हैं। किसी को भी पकड़ा उन्होंने, ध्रुव को पकड़ा, प्रहलाद महाराज को पकड़ा, और कितने उदाहरण आपने देखे हैं। यहाँ अभी वर्णन चल रहा है ये दक्ष, दक्ष दोबारा पैदा हुए, पहले दक्ष के तो सिर बकरी का सिर लगा दिया था, शिव जी की बहुत बेइज्जती की उन्होंने, शिव जी के गण ने उसका सिर उड़ा दिया, काट दिया, तो फिर उनके ऊपर लंबी कहानी है, आपने तो पढ़ी भी है शायद, उसको बकरी का सिर लग गया। तो बाद में वो मेरे ख्याल से चौथे मन्वंतर में फिर पैदा हुआ दक्ष, उसी दक्ष नाम इसलिए पड़ा, वो संतान उत्पन्न करने पैदा करने में दक्ष था, निपुण था, इसलिए दक्ष वैसे ही रहा। तो आपको मैं क्यों क्यों कह रहा था उसका उदाहरण, ये दक्ष के 10,000 पुत्र पैदा किए और नारद ने कहा कहाँ जा रहे हो, पिताजी ने कहा है तपस्या करो। कितनी अच्छी बात है, बाप बच्चे को कहता है तपस्या करके आ, क्योंकि तूने गृहस्थ जीवन संभालना है, तो उसमें संस्कार आते हैं। वो 10,000 बच्चे, नारद ने कहा कि बच्चे पैदा करने के लिए अगर ये जन्म तुमने इस्तेमाल करना है तो ये जन्म तो तुम्हारा बेकार हो गया, तुमको मनुष्य जीवन मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। नारद ने छोटा सा कुछ बोला, वो प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा नहीं जाना हमको, घर जाना ही नहीं वापस, वो हम तो भगवान की तपस्या भगवान की सेवा करेंगे। 10,000 बच्चे, नारद को दक्ष को बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, उनको कहा जाओ वहीं, फिर नारद मिल गए। नारद ने कहा तुमको तो अपने बड़े भाई बहुत पसंद हैं, उनकी राह क्यों नहीं अपनाते हो, उतर गए हैं, वो भी चले गए। तो दक्ष को नारद के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया, नारद को कहा तुम साधु नहीं, तुम तो असाधु हो, बहुत तुमने मेरा इतना नुकसान किया। ये करके दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे कभी,
ऐसा साफ स्वीकार कर लिया, भगवान के महान भक्त हैं, स्वीकार कर लिया। तो नारद एक जगह टिकते नहीं हैं, ऐसा करके बताया जाता है। यदा तु परवाद यदा यदा तु परवादया परवादयात्मने अंध आत्मने अंधात्मने न उपनमति न उपनमति उपनमति तदा हि तदा हि पितृपुत्र बर्हिष्मतः पितृपुत्र बहिष्मतः पितृपुत्रान्वा पितृपुत्रान्वा खलु भक्षयति भक्षयति। रश्मि माता जी, शब्दार्थ और भावार्थ माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, शशत प्रणाम। यदा जब तो किंतु दुर्भाग्यवश पर बाधिया अन्य सबों का शोषण करते हुए भी अंधा अंधा आत्मने अपने स्वयं के लिए न उप नमति हिस्से में नहीं आता, तदा तब ही निश्चय रूप से पितृपुत्र पिता या पुत्रों का बहिर्मतः तृणवत तुच्छ पितृपुत्रान पिता अथवा पुत्रों को वा अथवा सह वो बद्ध जीव खलु निसंदेह भक्ष्यति कष्ट पहुंचाता है। मेरे साथ पढ़िए। बद्ध जीव जब बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते अन्यों का रहने पर भी इस भौतिक शोषण संसार में करते अपना निर्वाह नहीं कर पाता, अपना निर्वाह अपना नहीं कर निर्वाह नहीं पाता कर पाता तो वो अपने पिता वो अपने पिता या पुत्र का शोषण या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है करने का प्रयास करता और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले है और उसकी उसकी संपत्ति संपत्ति हर लेता है भले ही वे भले ही वो अति महत्वहीन ही क्यों ना हो, अति अति महत्वहीन महत्वहीन क्यों ना क्यों हो, ना हो, यदि वो पिता यदि वो पिता पुत्र या पुत्र या या किसी अन्य संबंधी की किसी अन्य संपत्ति संबंधी की प्राप्त नहीं कर पाता, संपत्ति संपत्ति प्राप्त प्राप्त नहीं नहीं कर कर पाता पाता तो ये उन्हें 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 सभी प्रकार के तो ये उन्हें तो सभी यह प्रकार उन्हें सभी प्रकार के के कष्ट देने के लिए कष्ट देने के लिए उद्यत हो उठता है, उद्यत हो उठता है उद्यत होता है। हरे कृष्ण। ये होता है, ये संपत्ति का लालच इतना बड़ा, जब संपत्ति बच्चों को लगता है और माँ बाप वृद्ध हो गए हैं तो संपत्ति बढ़ जानी चाहिए, उनमें से कोई एक वो इसको उसको लीड करता है सब, फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जिसकी संपत्ति है उसकी इच्छा किसको कितना दे सके, ये होता है। क्योंकि अगर मेरी कमाई हुई संपत्ति का मैं किसी को दूं या न दूं, मेरा राइट है। मेरे पिताजी से जो संपत्ति आई है, जो मैंने इनहेरिट की है, उसमें बच्चों का हक होता है, उसमें बच्चों का हक होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैंने कोई संपत्ति बनाई है अपने मेहनत से अपने जीवन काल में, उसमें किसी का कोई हक नहीं होता, उसमें किसी का हक नहीं होता है, सिवाय शायद पत्नी का हक है और किसी का हक नहीं होता है। वो चाहे किसी को दे चाहे ना दे, लेकिन माया में है। माया में जिनको जो उसको कभी भी सुख देने वाले नहीं है, वो उसके बच्चे उनको वो मरने से पहले विल लिख देता है, ये इसको इतना दिया जाए, ये इसको इतना दिया जाए,
इसको इतना दिया जाए। ये जो संपत्ति का झमेला है इसमें बहुत कष्ट होता है, बहुतों को आपने सुना भी होगा ये चीज कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण सुषमा पत्रा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, एक बार हमने सचमुच एक दुखी मनुष्य को अपने निर्वाह हेतु अपनी पुत्री के आभूषण चुराते हुए देखा है। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वार्थ अंधा होता है। जब बद्ध जीव को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह अपने संबंधियों के साथ अपने रिश्ते को भी भूल जाता है और अपने पिता अथवा पुत्र तक का शोषण करता है। श्रीमद् भागवत से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस कलयुग में एक संबंधी अपने दूसरे संबंधी को एक कौड़ी के लिए मार डालेगा। बिना भक्ति के सफल प्राणी नरक के गर्त की ओर बढ़ते जाएंगे और एक से एक घृणित कर्म करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये अभी आपको लग रहा है घृणित कर्म है, लेकिन जब ये कलयुग आगे बढ़ेगा आपको नहीं लगेगा ऐसा। अगर हम पैदा हूं 4,32,000, तो अगर हम 4 लाख वर्ष के बाद पैदा हूं, हमको कतई वो अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि सब ऐसा ही करते होंगे उस समय। क्वचिद आसाद्य ग्रहम, प्रिय अर्थ विदुरम विदुरम असुख 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 उदक उदर्क अशुख उदर्क शोक अग्निना शोक अग्निना दह्यमानो दह्यमानो भृशं निर्वेदम भृशं निर्वेदम उपगच्छति उपगच्छति। शब्दार्थ मैं पढ़ देता हूँ। क्वचित कभी कभी आसाद अनुभव करके ग्रह ग्रस्त आश्रम को दाववत दावाग्नि तुल्य प्रिय अर्थ विदुरम किसी लाभ प्रयोजन के बिना अमुक उदरकम अधिकाधिक दुख की ही प्रतिफलित होता है। शोक अग्निना शोक की अग्नि से दह्यमान संतप्त होकर रसम अत्यधिक निर्वेदम निराशा उपगच्छति प्राप्त करता है। मेरे साथ पढ़िए, इस संसार में ग्रस्त आश्रम दावाग्नि के तुल्य है, इसमें तनिक भी सुख नहीं है, और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है, अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता, कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है, कभी वो अपने को अभागा मानते हुए पूछता है तो कभी वो कहता है कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म न करने के कारण कारण ही वो कष्ट का भागी बन रहा है, हाँ। ये तो सरल हुआ, ये आप समझ लें कि मेरे पूर्व जन्म में कर्म खराब थे, ये मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म के लिए क्या है, आपको अभी ठीक करना है उसको अगले जन्म के लिए। तो उसमें भगवान की भक्ति और गुरु दोनों चाहिए, तो दो चीज की आप ये कर लो, भक्ति में लगो, तो आपका अगला जन्म तो भी सुधर जाएगा।
इस पिछले जन्म को कोसने से अब कोई फायदा नहीं, ये बात तो है, ये दावाग्नि की तरह है ग्रस्त आश्रम, तो इसमें चिरंतन सुख, लगातार सुख मिले कि ये लिए भौतिक जगत है ही नहीं, लगातार सुख के लिए काले भगवत धाम। तो ये हम उसके तरीके भी बताए हैं, तो भी हमको यही ठीक लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत पुरस्कार द्वारा फिर प्रसाद की जय। गुरुवाष्टक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गान है, संसार दावन लीढ़ लोका त्रण कारुण घना घना तुम। यह भौतिक जगत सही अर्थ में दावन के सदृश है, जंगल की अग्नि किसी के लगाए बिना ही रह सकती है। इस प्रकार इस भौतिक संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती रहती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जगत की अग्नि में फंस जाता है तो वो अपने आप को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वो चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट होता है। परिश्रम पूरी भोगता रहता है बस। क्वचित काल विस्मित क्वचित काल विस्मित राजकुल राजकुल रक्षसा रक्षसा अपहृत अपहृत प्रियतम धनाशु प्रियतम धनाशु धनाशु धन आशु प्रमर्तक प्रमर्तक इव विगत विगत जीव लक्षण आस्ते जीव लक्षण आस्ते। शब्दार्थ है क्वचित कभी कभी, काल विस्मित काल के द्वारा कुटिल बनाया गया, राजकुल शासक वर्ग, राक्षसा राक्षसों द्वारा अपहृत, हर के हर लिए जाने पर, प्रियतम सर्वाधिक प्रिय धन संपत्ति के रूप में, असु जिसकी प्राणवायु प्रमतग मृत इव सदृश तुल्य विगत जीव लक्षण जीवन के समस्त लक्षणों से शून्य आस्ते रह जाता है। मेरे साथ पढ़िए, शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं, ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। दरअसल यह उसके लिए प्राण अंत के समान है। हाँ, अभी थोड़ा इसमें फर्क है, अगर आपसे आपका सामान भी उठा ले जाते हैं, सोना वगैरह तोल के लिख करके ले जाते हैं, अगर केस आपके पेपर में हो गया तो आपको मिल जाता है वापस। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा राजकुल रक्षसा शब्द अत्यंत सटीक है, श्रीमद भागवत की पूर्व हुई थी, फिर भी शासन कर्मियों को नरभक्षक अथवा राक्षस की संज्ञा प्रदान की गई है। यही शासन कर्मी किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं तो जीवन भर की सब परिश्रम संचित पूंजी से उसे हाथ धोना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति आयकर नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि शासन कर्मी भी इसे देने से कतराते हैं, किंतु प्रतिकूल समय उपस्थित होने पर आयकर बलपूर्वक वसूल कर लिया जाता है और करदाता हाथ मलता रह जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिम्रम दक्ष ज्ञान जन समाग
चक्षुरुन्मिता मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सशून्यवादि पाचार्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।